मैं मंजीत कुमार वर्मा, सहायक अध्यापक सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमदाबाद सीतापुर। बच्चों, आज हम सभी लोग कक्षा 4 की विषय गणित, जिसमें आज आपके अभ्यास है पुनरावृत्ति, उसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखिए, पहला सवाल है अंकों में लिखिए, फिर दूसरे नंबर पर दिया है शब्दों में लिखिए। तो संख्याओं को कैसे शब्दों में लिखना है और कैसे अंकों में लिखना है, इसके लिए सबसे पहले आपको भारतीय स्थानीय मान सारणी के बारे में जानना होगा, जिसमें कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिनको देख करके पहले उन्हें समझेंगे हम, फिर उसी के माध्यम से आगे सवालों को हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 4 स्टेप हमने लिखे हुए हैं, इकाई, हजार, लाख और करोड़ के 4 स्टेप लिखे हुए हैं। इसमें देखिए भी कुछ स्टेप अलग अलग दिए होते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 स्टेप आपके इकाई बनाते हैं, और इधर के 2000 और 10000 मिलकर के पूरा 1000 बनाते हैं, फिर लाख और 10 लाख मिलकर के 1000 का निर्माण करते हैं, इसी तरह से करोड़ और 10 करोड़ मिलकर के करोड़ का निर्माण करते हैं। तो किसी संख्या को अगर हमें शब्दों में, अंकों में लिखना है, तो उसके पहले हमें ये जानना होगा कि वो संख्या लिखी कैसे जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, एक हम उदाहरण लिख रहे हैं, यहाँ पे एक संख्या लिख रहे हैं जिसको आप लोग समझिए। यहाँ पर देखिए 5 अंक की एक संख्या लिखी हुई है, 2, 8, 5, 6, 5, यानी ये 5 अंकों वाली संख्या यहाँ पर लिखी हुई है। इसको देखिए पढ़ेंगे हम कैसे, ये इधर का पहला अंक जो हो गया वो इकाई है, फिर दूसरा दहाई है, तीसरा सैकड़ा है, फिर चौथा 1000 है, और पांचवा 10000 है। यानी पहले का इधर वाला जो ये अंक है, ये आपका हो गया इकाई। तो इकाई वाले खाने में इसको हम लिख देंगे, यानी 2 इकाई वाले में पहुंच जाएगा। फिर 8 दूसरे नंबर पे है, ये दहाई है, तो दहाई वाले कालम में पहुँच गया। फिर तीसरे स्थान पर, यानी सैकड़े पर 5 है, तो ये 5 सैकड़े के स्थान पे पहुंच जाएगा। फिर 6 ये 1000 वाले स्थान पे, और ये जो 5 है आपका, ये 10000 वाले कॉलम पर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से 5 अंकों वाली संख्या यहाँ पे है, और हमने उसको अलग अलग लिख लिया, यानी इकाई को इकाई के स्थान पे, दहाई को दहाई, सैकड़े को सैकड़े के स्थान पे, 1000 को और 10000 को उसके स्थान पर हमने लिख दिया। अब देखिए, ये जो 3 अंक होंगे, ये आपके इकाई के हो गए। देखिए, तीनों अंक इकाई में हैं, तो ये 3 अंक आपके इकाई के हो गए, और ये वाले 2 अंक आपके हो जाएंगे 1000 के, यानी ये 1000 और ये 10000, ये दोनों मिलकर के 1000 का निर्माण करेंगे। तो इस तरीके से इस संख्या को हम क्या पढ़ सकते हैं, ये 1000 हो गया और ये इकाई हो गई, तो ये हो गया 56000, और ये 500, यानी सैकड़ा है ना, ये 500, यानी 5 सैकड़ा 500 हो जाएगा, और ये इकाई और दहाई मिलकर के 82 हो गया। तो ये हो गया 582, यानी 56582। तो ये जो संख्या आपकी लिखी थी, इसको हम पढ़ सकते हैं 56582। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए, अंकों में संख्याओं को लिखना है, तो 15015 लिखना है, 15015। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, इकाई, हजार और लाख, यानी यहाँ पे इसको देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10000, यहाँ पे सारे स्टेप दिए गए हैं। तो इसको 15015 दिया है, बीच में क्या गायब है, यानी 1000 और इकाई दहाई दिया है, यानी सैकड़ा गायब है यहाँ से। तो सैकड़े के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 15000 है, यानी 1000 में यहाँ हमने 2 स्टेप बताए थे, 1000 के 1000 और दूसरा 10000 वाला, तो 15 जो है कैसे लिखा जाएगा, ये आपकी इकाई हो गई और ये हो गई दहाई। तो इन दोनों अंकों को जब हम सम्मिलित करेंगे, तो ये आपका 15 बन जाएगा, यानी ये 15 हो गया, 15000 वाले कालम में है, तो ये 15000 हो जाएगा। और इसी तरीके से 15 लिखा है, यानी इकाई और दहाई है, बीच में सैकड़ा गायब है। तो इस 15 को क्या करेंगे, 15 में 5 इकाई है और 1 दहाई है, तो इसको दहाई के स्थान पर हम लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे सैकड़ा नहीं दिया गया है, तो सैकड़े के स्थान पे हम 0 को लिख देंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी आपका 15015 लिखा कैसे जाएगा, देखिए 15000, फिर 15 है तो, और यहाँ पे सैकड़ा गायब है, तो उसके स्थान पे 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पर इकाई और दहाई, यानी 1, 5 हो जाएगा, तो 15015 हो गया। अब इसको पढ़ सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10000, दोनों स्टेप को हम एक में पढ़ेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 15000, और फिर ये 15, ये इकाई और ये दहाई, ये 15 हो गया, सैकड़ा नहीं है, तो उसके स्थान पे हम
शून्य को लिख देंगे। इसी क्रम में अगला सवाल है 13538। 13000 है यानी हजार में इकाई और दहाई वाले दोनों हैं, 13000 दिया गया है, तो नीचे देख लीजिए 13000 यानी ये इकाई का हो गया और ये दहाई का। हजार में भी दो स्टेप, ये केवल हजार और ये 10000, यानी हजार और 10000 मिलकर के कितने हो जाएंगे 13000, यानी ये 3000 और ये 10000, 10 और 3 13000 हो गया आपके। और फिर 538 है, 500 यानी 5 सैकड़ा है, तो सैकड़े के स्थान पे 5 हो जाएगा और 38 है, 38 यानी 8 इकाई और 3 दहाई, तो यहाँ पे दहाई पर 3 हो गया और इकाई पर 8 हो गया, ये हो गया 38, तो ये आपका हो गया 13500 और ये इकाई दहाई को एक में पढ़ लेंगे तो ये हो जाएगा 38 यानी 13538। इस तरीके से इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 13538। इस तरीके से आपका ये लिखा जाएगा। इसी क्रम में अगला सवाल है शब्दों में लिखिए। अभी आपने संख्याओं को अंकों में लिखना सीखा, अब आप लोग सीखेंगे संख्याओं को शब्दों में लिखना, किस तरीके से संख्याओं को शब्दों में लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, पढ़िए सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10000। अभी हमने बताया था हजार के दो होंगे, तो ये दोनों हम एक में पढ़ लेंगे तो ये कितने लिखेंगे 30, तो इसको क्या पढ़ेंगे 30000। या आप यहाँ पर भी इस संख्याओं को लिखकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ ये इकाई हो गया, ये 5 हो गया, फिर 4 दहाई हो गया, फिर सैकड़ा शून्य हो गया, हजार भी शून्य हो गया और 10000 पर 3 है। अब देखिए इसको कैसे हम पढ़ेंगे, तो ये 30 है तो 30000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30000, तो इसको हम लिखेंगे 30000। फिर इसके बाद अब देखिए यहाँ पे सैकड़ा शून्य है तो इसको हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, फिर ये है दहाई और ये है इकाई, यहाँ शून्य है तो इसको नहीं लिखेंगे, ये दहाई इकाई यानी ये हो गया 45, ये 30000 और इधर का 45, तो 30045 हो जाएगा, 30045 हो जाएगा। इसी तरह से अगला है 4045, तो इसको भी हम उसी तरीके से लिख करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इकाई हो गई 5, दहाई हो गया 0, सैकड़ा हो गया 4 और हजार हो गया 0, 10000 हो गया 4, यानी अब आपका ये हो गया 40000। और यहाँ पे देखिए दहाई 0 है, इकाई पर 5 है, तो ये 40000 हो गया, ये 4 सैकड़ा यानी 400, 40400 इकाई में केवल 5 है तो ये हो जाएगा 5, यानी 40405, तो इसको हम लिख सकते हैं 40405। इस तरीके से इसे हम लिखेंगे। फिर है अगला सवाल रिक्त स्थानों को भरिए, यानी यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन रिक्त स्थानों को भरना है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके की ये संख्याएं जो लिखी हुई हैं इनके बीच में संबंध कैसा है, फिर उसी हिसाब से आगे आप रिक्त स्थान को भरेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे संख्या लिखी हुई है 7184, 7184, फिर अगले नंबर पर 7185, फिर 7186, यानी केवल एक का अंतर है, इकाई में अंतर दिया गया है, यहाँ पे 4, 5 और ये 6, तो अगले नंबर पर 7 हो जाएगा, यानी 7100, यहाँ पे 86 है तो 86 के बाद कितना हो जाएगा 87, 7187, फिर अगले क्रम में यानी इसके बाद क्या आ जाएगा 7187 के बाद आ जाएगा 88, 7188। फिर अगले सवाल में क्या है 5326, 5426, 5526, यहाँ पे जो इन संख्याओं के बीच में अंतर है
वो सैकड़े में दिया गया। देखो हज़ार मिल रहा है सभी जगह, सैकड़ा यहाँ 300 है, यहाँ 3 सैकड़ा है, यहाँ 4 सैकड़ा है और यहाँ 5 सैकड़ा। तो अगले स्टेप पर जो आएगी संख्या वो 6 सैकड़े में आएगी, उसके बाद 7 सैकड़े में आएगी। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 5626। फिर अगले स्टेप पर आ जाएगी 5726। इस तरह से ये संख्या लिखी जाएगी। फिर अगला सवाल है, उन संख्याओं पर घेरा खींचिए जिनमें 5 के अंक का स्थानीय मान 500 है, यानी जिस 5 का स्थानीय मान 500 होगा उस संख्या पर आपको गोला खींचना है। तो सबसे पहले इकाई की तरफ से हम पढ़ना शुरू करेंगे, जिस संख्या में 5 सैकड़े पर आ जाएगा उस संख्या पर गोला कर देना है। तो यहाँ देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़े पर, यानी 5 का अंक जो है वो सैकड़े पर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सैकड़े पर है, यानी इसका स्थानीय मान 500 हो रहा है, तो इस संख्या पर हमें गोला खींच देना है। फिर इसमें क्या है, इकाई दहाई, यहाँ जो 5 आया है वो दहाई पर आया है, यानी इसका स्थानीय मान जो है 50 है, 500 नहीं हो रहा है, इसलिए इस पर हम गोला नहीं खींचेंगे। फिर अगली संख्या है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इसमें जो 5 है वो हज़ार के स्थान पर है, यानी सैकड़ा 500 नहीं आ रहा है, इसलिए इस संख्या पर भी हम गोला नहीं खींचेंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।